हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वन से टेन तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक अक्सर सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सरसाइज सीखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जहां भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग वन वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप वन से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा, कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पीछे कुछ हमने मोबाइल पे बनाई थी इसलिए मोबाइल बोलने की आदत हो गई है। इस एक्सरसाइज 10 में हम जो है ये एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट हो रही थी उसी का ही 10 है, अलग अलग एक्सरसाइज है बट हमने एक एक्सरसाइज के पार्ट रख दिया है कि 1, 2, 3 करके ऐसे 10 तक है। उससे आगे की जो वीडियो आएगी अलग से टॉपिक पर आएगी, जैसे कि लाइक आप वी लुकअप अलग से है, एच लुकअप, पाइवट टेबल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसके अंदर इन टेबल्स में भी आपकी ये सब चीज़ें कवर हुई हैं। तो इनसे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ये 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी को ट्रैक कर लेते हैं। अगर ये करैक्टर में है J4 ऐसे करके आ रहा है तो ये पीछे के नंबर्स को मैच करता है और उसके अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीमेंट में डाल देता है। पोस्टेज निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि गिव अ नेम पोस्टेज ऑफ द सेकेंड टेबल। ये वाली जो टेबल है ऊपर वाली, ये जो है ये हमारी टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। तो टेबल 1 और टेबल 2 में जो हमारा कॉमन है जोन है, ठीक है। जोन यहाँ पर भी है, जोन यहाँ पर भी है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए जोन। और मुझे जो ये वाला पोस्टेज का डेटा है वही मुझे इस वे में यहाँ पे चाहिए। अभी तक तो हम निकालते आए थे कि कॉलम से कॉलम ऐसे मैच हो रहा था, अब क्या है ये रो से कॉलम को मैच करेगा। तो इसको हम एच लुकअप हॉरिजॉन्टली आपको निकालेंगे। वी लुकअप आपका वर्टिकुलरली होता है, कॉलम वाइज होता है, एच आपका हॉरिजॉन्टली रो वाइज होता है। और इससे नेक्स्ट आपका टैक्स रेट है, ये वाला डेटा आपका यहाँ पे शो करना चाहिए। तो पोस्टेज निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में बोला है कि इसकी जो सेकंड टेबल है उसको हम नाम ही पोस्टेज देंगे, सेलेक्ट दिस वन। कभी कभी स्टूडेंट ऊपर का डेटा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्चुअली ऊपर ये हमने मर्ज किया हुआ है तो ये इस टेबल को डिस्टर्ब करेगा। और ये इसका जो रो है 1, 2, 3 करके, हमने जैसे ये रो हमारी 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो इसको वो कैच नहीं करेगा, इसको 1 लेगा। 1 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसके हिसाब से कुछ डेटा नहीं है। सेलेक्ट किया, कर्सर हम ऊपर रखेंगे इस पोर्शन में जहाँ पे इसका सेल का एड्रेस होता है, और इसको हम नाम दे देते हैं पोस्टेज। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद वो आपका हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो गया। जब आप उसको अगेन सेलेक्ट करते हैं रेंज को तो जो यहाँ पर नेम शो करता है वो आपका पोस्टेज शो करता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अभी हम फॉर्मूला लगाते आए थे वी लुकअप, अभी लगाएंगे एच लुकअप। ऐसे लिखा, एच एल करते ही आपका पूरा शो करेगा, आप टैब दबा दीजिए, टैब से पूरा का पूरा फॉर्मूला कैच करता है। इन दोनों टेबल्स में आपका कॉमन क्या है, जोन। तो जो जोन खुद की टेबल का फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक करेंगे, इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल का जो नीचे वाली टेबल उसका नाम था पोस्टेज, ऐसे टाइप करते ही ऑटोमेटिकली आएगा, फिर टैब प्रेस कर देते हैं। अगर लेंथी नाम हो तो भी अपने आप टाइप हो जाता है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। इस पोस्टेज में दिस इज़ द रो 1, दिस इज़ द रो 2, रो 2 का डाटा मुझे यहाँ कैच करना है, तो 2 पे टाइप कर दीजिए और कॉमा करके 0 ट्रू फॉल्स के लिए होते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे 1 के आगे 4 है तो इसका आंसर 4 आ गया। नाउ ड्रैग इट, बाकी सारा अपने आप निकलता है, आपको कुछ नहीं करना।
ठीक है, इसमें कुछ आंसर्स आपके पॉइंट्स में आ रहे हैं। पॉइंट्स करने के लिए क्या करना है, आपको इसको इंक्रीमेंट करना इस टाइप से। ये देखिए जो भी पॉइंट का आंसर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। 0.45 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली टैक्स निकालना है। टैक्स भी बहुत सिंपल है, जहाँ पे हमने ये टू यूज़ किया है, इसमें टू कॉलम टू रो को यहाँ से फेच किया है, इसमें थ्री को करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या, देखिए ये फॉर्मूला एक तरीके से रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा इसका वैल्यू जो डेटा वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ द जोन, क्योंकि जोन आपका फर्स्ट रो है। जैसे हम उसमें फर्स्ट कॉलम को मैच करते थे, इसमें फर्स्ट रो को करते हैं। यहाँ सिंपल पोस्टेज लिखा, टैप प्रेस किया, कोमा, इसमें ये थर्ड वाली टैक्स रेट हमारा थर्ड पे इसलिए थ्री करके ज़ीरो की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। ये देखिए फोर पर आपका ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है एग्जैक्टली, 0.8 है। तो इसको हम इंक्रीमेंट अभी करते हैं, पहले ड्रैग करेंगे, सब ज़ीरो है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि ज़ीरो क्यों आया, जिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये आंसर पॉइंट्स में इस तरीके से आ रहा है। तो लास्ट वन इस तरीके से आपका ज़ीरो शो कर रहा है। इसमें हमारे दो क्वेश्चन कवर हो गए, सेकंड और थर्ड। फिर है आपका फाइंड द सेल प्राइस, प्राइस इनटू टैक्स रेट, इज इक्वल टू प्राइस पे क्लिक किया आपने और इनटू किया टैक्स रेट पर, दिस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है कि आपको प्राइस और टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देना, प्राइस ये रहा, टैक्स रेट ये रहा, नाउ ड्रैग इट, देखिए, ठीक है। प्रॉपरली आंसर पॉइंट्स में चाहिए तो वो इस तरीके से शो कर देगा। टोटल सेल के लिए आपका नेक्स्ट वन है प्राइस, पोस्टेज, टैक्स रेट। नाउ प्राइस, पोस्टेज एंड टैक्स रेट, तीनों को प्लस करना है, अलग अलग है, जोन को मैं नहीं सेलेक्ट किया, तो हमें फॉर्मूला इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा हम सम करके कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूटी में है तो। उसमें होता क्या है कि आपको शॉर्टकट इज ऑल्ट इक्वल टू करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें ये इजी लगा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर दिया, ये देखिए आगे ना आंसर। अभी हम चलते हैं फॉर्मेट ऑल द कॉलम फिर टू डेसिमल प्लेस। ये टू डेसिमल प्लेस बाद में बताया गया, जितना भी आंसर आ रहा है तो हमने ऑलरेडी कर दिया है उसको, टू डेसिमल प्लेस ऑल ने किया है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। क्रिएट ए लाइन चार्ट इलस्ट्रेशन अबव, अभी इसमें हमने चार्ट मैंशन नहीं, बट हमारी हार्ड कॉपी में चार्ट मैंशन है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को पूरे को, ठीक है। इसमें कौन सा चार्ट बोला हुआ है, क्रिएट ए चार्ट, इसमें एक मिनट, क्रिएट द लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा होता है, इंसर्ट पे क्लिक किया, हम चार्ट पर आते हैं ऑल में, देखिए ये वाला आपका लाइन है, इसमें से आप जो भी चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली डेटा को कैच करके क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, ये कोई भी, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है। इसमें देखिए आपका पूरा डेटा यहाँ से ऐसे एक्सप्लेनेशन में आता है। एक्चुअली जो चार्ट वगैरह होते हैं ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा को शो करने के लिए। होता क्या, कुछ को नंबर्स को देख के बहुत एक तरीके से थोड़ा सा डर सा लगता है, और किसी को ग्राफिकल वे में अच्छी चीज़ें समझ में आती है कि ये इतना ग्रोथ किया है, इतना इसमें वर्क हुआ है, तो उसको हम ऐसे समझाएंगे तो इजीली समझ जाएंगे। किसी किसी को ग्राफिकल को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो नंबर को जल्दी कैच करते हैं, तो दोनों फॉर्मेट हम रख सकते हैं जैसे भी जिसको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज कॉपी द टोटल सेल एंड पेस्ट इन टू द J20 सेल। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैंने जो लास्ट क्लास में समझाया था कॉपी पेस्ट ही यूज़ करना है, बट वो पेस्ट स्पेशल में जाएगा। इसको भी हम हटा देते हैं, अभी इसके रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। किसको कॉपी करना है, टोटल सेल को, ये हमारा टोटल सेल है, इसको जस्ट हमने लास्ट आंसर टोटल को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर हमने जे वाले में करना है, के में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इन्होंने J20 में बोला है, J20 हम यहाँ अलग से कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, और पेस्ट किया। पेस्ट करने से सारी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कॉपी करने के बाद एक इसमें होता है पेस्ट स्पेशल, ये वाला, यहाँ होता है वैल्यू, ये देखिए ये वाला, जब वैल्यू पे क्लिक करेंगे और आप इसको ओके प्रेस करेंगे तो एज इट इज़ एज पूरी की पूरी वो वैल्यू शो कर देता है। उसका जो होता है कैलकुलेशन से कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर पहले हमने कर रहे थे जो ज़ीरो वाला आंसर आ रहा था उसमें
फॉर्मूला पिक कर रहा था, यानी जितने भी एडिशंस वगैरह हमने लगाए उनको पिक कर रहा था वो. नेक्स्ट इज द कॉलम द कॉपी हेडिंग एंड मेक इन टू द रो वाइज. अब जैसे कि ये हेडिंग ऐसे मेंशन है और इसकी हेडिंग ऐसे है, इसको कॉलम वाइज हेडिंग बोलते हैं और इसको रो वाइज हेडिंग बोलते हैं. और ये वाला जो डेटा बना है इसका डेटा मैंने हमने यहाँ रखा है, और बट हमें वो जो डेटा इस वे में चाहिए रो वाइज, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, कंट्रोल सी इज द कॉपी, और जहाँ भी रो वाइज रखना है राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गए. पेस्ट स्पेशल में आपके पास ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये. ट्रांसपोज से क्या होता है कि आपका जो डेटा है रो वाइज हो जाएगा. ये देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे दिखा देते हैं. ये देखिए कैटेगरी नंबर, यहाँ से कैटेगरी नंबर आपका इधर आ गया, सेकंड आपका प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, एक के नीचे एक आ गया इस टाइप से, लास्ट टोटल सेल है इस टाइप से आ गया. ठीक है, तो जो आपका डेटा है ये यहाँ से हेडिंग जो आपकी कॉलम वाइज है वो रो वाइज हो गई है. तो बहुत अच्छा और ईजी प्रोसेस है, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी, अपने आप सारा डेटा ये कन्वर्ट हो जाता है. जैसे मान लो लाइक हमने ऐड से कुछ ऐसा डेटा उठाते हैं वो कॉलम वाइज मिल रहा है, तो उसको हम ऐसे रो वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसमें है बोला गया कन्वर्ट के फोर सेल डाटा इंटू कैपिटल लेटर. के फोर में हमने, अच्छा यही वाला डेटा है, जैसे ये ऑलरेडी कैपिटल में है, इसमें ऑलरेडी कैपिटल है ये, इसमें कोई ऐसा डेटा मेंशन नहीं है कि जो स्मॉल में हो, या तो ये स्मॉल में रहा होगा बाद में कैपिटल. चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम समझा देते हैं. जैसे कि पूरा डेटा है, इस पूरे को मुझे स्मॉल में करना है, तो एक होता है लोअर LOW, ये देखिए LOWER, ठीक है. जैसे हम लोअर पे करके इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरे डेटा को आपका लो यानी छोटे में कर देता है, स्मॉल में. ठीक है, तो इस टाइप से ये स्मॉल में जाएगा, क्योंकि वर्ड में तो हमारे पास ऑप्शन होता है, उसमें हम कर सकते हैं ये शिफ्ट F3 के थ्रू कैपिटल में कर सकते हैं और स्मॉल में कर सकते हैं, उसमें तीन ऑप्शंस आते हैं, बट इसके अंदर वो ऑप्शन वर्क नहीं करता. इसके अंदर हमें क्या करना होता है, कमांड देनी पड़ती है. अब जैसे ये आ गया स्मॉल में, बट फर्स्ट वर्ड कैपिटल चाहिए, तो उसमें प्रॉपर होता है. ठीक है, प्रॉपर करेंगे, क्लिक करेंगे, मैं आपको तीन ऑप्शन समझा देती हूँ इसके अंदर, तो ये आपका इस टाइप से जाएगा. ठीक है, अगर ऑलरेडी आपके पास डेटा है ऐसा ही, देखिए इसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ गया सबके अंदर, ऑलरेडी स्मॉल है ये वाला या ये वाला, ठीक है, इनको कैपिटल में कन्वर्ट करना, या तो है मेरे पास कैपिटल बाई चांस नहीं है स्मॉल टू कैपिटल करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अपर. ठीक है, तो तीन कमांड्स आपको सिखाई है, तो तीनों में से आप जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वैसा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ. इसके लिए हमने लिखा था लोअर, ठीक है, इसके लिए हमने लिखा था प्रॉपर, और इसके लिए हमने अपर. ठीक है, तो ये सारा इज इक्वल टू के थ्रू यूज़ होगा. इज इक्वल टू करके आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे एक डिमेरिट्स हो जाता है कि जैसे आपने लिख लिया, ठीक है, आपने स्मॉल कैपिटल जो भी यूज़ कर लिया, अब मैं इस पूरे इस वाले को जो है हटा देती हूँ, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका इफेक्ट इन सब पर पड़ता है. ठीक है, मीन्स अगर ये हम डिलीट करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी डिलीट होती है. तो इसके लिए सेम वो ये कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे. यहाँ से हमने कंट्रोल से किया, नेक्स्ट वाले में हमने पेस्ट स्पेशल में जाके इसकी पेस्ट स्पेशल हमारी है, पेस्ट स्पेशल में जाके इसका वैल्यू पे टिक किया, क्योंकि अभी ये फॉर्मूले से पिक कर रहा था. ठीक है, तो ऐसे पूरे डाटा को हमने कंट्रोल से किया और यहाँ जाके इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पे टिक कर दिया. ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए पूरा डेटा यहाँ से इस तरीके से जो ये शो कर रहा है ये यहाँ पर आ गया. अगर मैं इनको डिलीट कर दूँ तो ये इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ये आपका अलग हो गया. तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, मीन्स किसी हम स्मॉल को कैपिटल में कर रहे हैं और उसको हम यूज़ रखे आगे तक के लिए भी, यानी कि वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पे डिपेंड ही ना रहे, हमारे पास वो डेटा रहे बाद तक भी, कि वो फॉर्मूले में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, कुछ हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या कुछ और लेके आता, तो ये इसका इफेक्ट इस वाले वैल्यूज पर, इस वाले टेक्स्ट पर नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन इसी का था समझाने का, कैपिटल स्मॉल वगैरह करने का. तो ये जो एक्सरसाइज है ये तो सिर्फ एक सैम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी किसी तरीके की एक्सरसाइज ले सकते हैं. तो इन आई होप ये 10 एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी. आप एक्सरसाइज 1 से देखिए, 1, 2, 3 करके 10 तक जब तक आएंगे आपको बहुत सारे फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे, और इससे रिलेटेड आप कंबाइन करके मिक्सअप करके बहुत सारे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. कहीं कहीं पर ऑफिस में ऐसे ऐसे कंडीशन दे दी जाती है कि आप वहाँ जाकर स्ट्रक्ट हो जाते हैं, अब क्या करें.
तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढते रहते नहीं मिलती, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले से हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर करिए, नहीं पसंद आती तो नहीं करिए। थैंक यू।